नमस्कार, अभी हम लोग अशोक नगर रोड स्थित चांगर में खड़े हैं, जहां पे कि लॉकडाउन के दौरान पिछले 2-3 बार या यूं कहें कि 3-4 बार श्याम बाबू राय जी द्वारा जो है राशन वितरण का कार्य किया जा रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान कोरोना की जंग में जहां गरीबों असहायों के बीच श्याम बाबू राय एक मसीहा के रूप में सामने आए हैं और गरीबों और जो असहाय लोग हैं उनके बीच राशन बांटने का काम किया जा रहा है। राशन में आपको आटा है, चावल है, सब्जी है, सब्जी में आलू है, नमक है, ये सारी चीजें हैं। मतलब एक गरीब के लिए पूरी सामग्री की व्यवस्था इन्होंने की है। बहुत अच्छा, काबिले तारीफ, समाज में ऐसे लोगों की जरूरत है। अभी लॉकडाउन 4 की भी घोषणा हो चुकी है, उसका रंग रूप कुछ अलग होगा, आगे भी ये इस तरह के काम करते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हुजूम, कितनी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। ये सारे गरीब ऐसे लोग, असहाय लोग हैं जिनको की राशन की सख्त जरूरत है और ये बांटने का काम हमारे बीच के ही एक समाज सेवी श्याम बाबू राय द्वारा किया जा रहा है। श्याम बाबू राय, और देख सकते हैं आप, राशन में आटा है, आलू है, नमक है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। ये बांटने का काम ये कर रहे हैं। राशन की पूरी जो है स्टॉक आप देख सकते हैं, इनके द्वारा बांटने का काम पिछले 3-4 बार किया जा चुका है, अभी भी किया जा रहा है, आगे भी किया जा रहा है। तो ऐसे समाज में ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन 3 का आखिरी दिन है कल। लॉकडाउन 4 भी की घोषणा लगभग हो चुकी है, उसका रंग रूप क्या होगा देखने की बात है। इस बीच में ऐसे लोग हमारे बीच हैं, ऑफिस ऑफिस जा रहे हैं कि उनका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से वो बांट रहे हैं, ऐसे लोगों से जानते हैं। ठीक है, हम ऑफिस से निकलने पर तो बात करते हैं आपसे। ऑफिस पहुंच के आप ये राशन बांटने का काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? हम आपको जी मोबाइल पर क्या क्या देते हैं? चावल, दाल, आटा, आलू, नमक। तो ये आप अपने तरफ से कर रहे हैं या कहीं से संस्था के, कहीं से फंड आई है? नहीं, अपने तरफ से, किसी समाज है, किसी का इसमें योगदान नहीं, किसी का योगदान नहीं, हम अपने संस्था से। क्या उद्देश्य क्या है? पैसे ही गरीब परिवार नहीं रखो, अपना खाते में कोई इंजेक्शन नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, समाज में कोई भूखा ना रहे, जहां तक प्रयास होता है। साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि कोई किसी भी स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है मेरा। मतलब अभी बांटे हैं 2-3 दिन, आगे भी बांटेंगे, मतलब समाज में कोई भूखा न रहे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। आइए जानते हैं बांटने का काम स्टार्ट किया जाए। आइए देखते हैं, ये जो है बांटने का काम स्टार्ट करेंगे। हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और भी लोग हैं, आप देख सकते हैं कि गरीबों के बीच श्याम बाबू राय जी जो है वो बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे चलते जाइए, एक लाइन से बहुत बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है। मतलब अभी भी समाज में बहुत जरूरत है, ऐसे गरीबों के मसीहा के रूप में सामने आ रहे हैं। बहुत सारे महिलाएं हैं, ऊपर नंबर आइए आइए जानते हैं क्या 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 मिल रहा है। चावल, चावल, आटा, आलू, नमक, बस दो सामान, तीन सामान मिला, आटा है, नमक है, आलू है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, गरीब का पालन साहब लोग कर रहा है, हम लोग का मिला लेके जाएंगे, अपना खाएंगे, कोई सहारा तो है नहीं, सरकार समझे तब ना। 20 बरस से झाड़ू दे रहे हैं, कोई उपलब्ध नहीं है, ना कोई नौकरी है, ना चाकरी है, मांगता था जहाँ बताता है खाते हैं, क्या करें। सरकार की तरफ से कोई योजना नहीं का लाभ मिला? कोई नहीं, कुछ नहीं मिला है, कुछ योजना नहीं मिला है सरकार की तरफ से, तो रोटी भी नहीं मिला, राशन वगैरह नहीं मिला है? ना, राशन का कार्ड नहीं है। आइए जानते हैं इनसे, बताइए क्या क्या मिला आपको। आटा है, और हम लोग का राशन कार्ड भी नहीं है, एटीएम भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, मेरा भूखे मर रहे हम लोग,
इन्हीं को जाने हैं तो हम लोग अशोक नगर 2 नंबर से आए। बहुत अच्छी बात, ऐसे लोग जिनको जिनको की सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वैसे लोग जो है वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, वैसे लोगों को एक दिन पहले कूपन दिया जा रहा है और वो कूपन के आधार पे दूसरे दिन बुलाकर उन्हें राशन दिया जा रहा है। मतलब ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको की उस अनाज उस रोटी की कीमत मालूम है, वैसे योजना का किसी योजना का सरकार का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, वैसे लोगों को तलाश कर वैसे लोगों को राशन दिया देने का काम किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात। कैमरामैन आनंद भूषण के साथ आर के रोशन, अशोक नगर, पटना।